से आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। तो मैं हूं मजदूर। आज की जो वीडियो है वो है सोलर पैनल की सेफ्टी के ऊपर। जिस तरह हम अपने हाउस वायरिंग को सेफ रखने के लिए MCBs लगाते हैं अपने रूम के सर्किट में, और उसी तरह सोलर पैनल लगाते टाइम लोग क्या करते हैं, MCBs भी लगाते हैं। तो आप देख सकते हो ये सोलर पैनल है लूम सोलर कंपनी का 375 वाट का, और इसका जो वोल्टेज है वो 39 पॉइंट कुछ वोल्टेज है। इसका हाईएस्ट मैक्सिमम वोल्टेज इतना है और 9 पॉइंट कुछ एम्पियर जनरेट करता है। तो यहाँ पे दो पैनल्स लगे हुए हैं और इसकी जो वीडियो है आपको एक नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी जो कि आने वाली है। तो यहाँ पे दो पैनल लगे हुए हैं और इन दो पैनल में जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे DC MCB। काफ़ी सारे लोगों को DC MCB के बारे में नहीं पता है कि वो क्या क्या वर्क करती है, किस तरीके से काम करती है। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये MCB, ये है 32 एम्पियर की MCB और ये एक DC MCB है, और ये है 63 एम्पियर की MCB। DC MCB है, AC MCB नहीं है। और ये सब आपको अगर खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोलर पैनल से जुड़ा कोई भी सामान खरीदना है सबके लिंक मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लैंप मीटर रखा है, दो MCBs रखी हैं 63 की और 32 की, तो यहाँ पे रख दिया है। और दो पैनल लगे हुए हैं आपस में और उसमें हमने लगा रखे हैं 3-पिन MC4 कनेक्टर, यानी कि 3-पिन MC4 कनेक्टर। यहाँ पे तीन पैनल की हम वायरिंग कर सकते हैं। तो हमने जो वायरिंग कर रखी है दो पैनल की, वो वायर है पैरेलल में, यानी कि पैरेलल में अगर हम वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पैनल के जितने वोल्टेज होंगे उतने ही दोनों पैनल के वोल्टेज दिखाएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे प्लस और माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे DC MCBs। काफ़ी सारे लोग अपने घर में लगाते हैं, मगर लगाते हैं किस लिए कि ये MCB काम करेगी, मगर कैसे काम करेगी ये नहीं पता है। तो अभी आप देख सकते हो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे सेटअप लगा दिया, उसकी वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगी। तो हम सबसे पहले 63 एम्पियर की MCB को चेक करेंगे। DC MCB है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस वायर का प्लस में लगाना होता है, माइनस वायर का माइनस में लगाना होता है। तो हमने लगा दिए और लगाने के बाद अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये दोनों पैनल के जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं, क्योंकि पैनल के जो कनेक्शन है वायरिंग है वो हमने की है पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, सेम एक पैनल के जितने वोल्टेज होंगे उतने ही दोनों के होंगे। तो आप देख सकते हो ये 40 वोल्टेज दिखा रहा है। तो ऊपर चेक किया, अभी नीचे नहीं आ रहा है, जब हम इसको उठाएंगे तो नीचे भी आएगा। ये देख सकते हो 40 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे 40 वोल्टेज आ रहा है। तो अभी जो टाइम हो रहा है दोपहर के समथिंग 2:30 बज रहा है, और उस समय हमने यहाँ पे चेक किया। तो ये देख सकते हो मोनो पैनल में ही चेक किया है, और ये हम वायर लगा के अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे कि क्या ये MCB शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होती है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं MCB बेचने से पहले कि शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होती है। तो अब देख सकते हो कि शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होगी या नहीं होगी। तो हमने ब्रेकर लगा लिया है, DC ब्रेकर, ये 63 का है, और अब हम लगा रहे हैं टू वायर्स, और ये जो वायर है वो भी DC वायर ही लगा रहा हूँ मैं। और ये DC वायर लगाने के बाद अब जो है हम ये दो पैनल्स लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। अब हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे, तो ये देख सकते हो शॉर्ट सर्किट में कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, मगर कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि 63 एम्पियर की MCB ट्रिप नहीं हो रही है। इसको ट्रिप होना चाहिए मगर नहीं हो रही, क्योंकि DC MCB जो होती है वो ट्रिप नहीं होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी MCB है, शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होती है, मगर DC MCB सोलर पैनल्स पे लगाने पर शॉर्ट सर्किट होता है। अगर पैनल्स की वायर आपस में लगती है या किसी रीजन से पैनल शॉर्ट होता है तो MCB ट्रिप नहीं होती है। अब देख सकते हो हमने 63 की MCB को साइड में किया है। अब हम चेक कर रहे हैं 32 एम्पियर की MCB जो है DC, और सेम वायर्स हमने वैसे ही लगाया है, और अभी मैंने आपको क्लैंप मीटर से भी लगा के दिखा दिया कि वोल्टेज एकदम सही आ रहा है। अगर आप ये MCB जो DC MCB है
किसी भी 12 वोल्ट की बैटरीज में लगाकर आप शॉर्ट सर्किट करोगे तो उस समय ट्रिप होगी, मगर पैनल्स में लगाओगे तो ट्रिप नहीं होगी। तो दो पैनल्स के जो एम्पियर है समथिंग 18 या 19 20 एम्पियर के आसपास बन रहा है, मगर ट्रिप नहीं हो रहा है। ये देख सकते हो, अब हम 32 एम्पियर की ट्रिपिंग कर रहे हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा है। और दिन का टाइम है, स्पार्क दिख नहीं रहा है आपको, ये शाम को धूप रहती नहीं, दिन में शूट किया है 2 बजे के टाइम पे, तो आप देख सकते हो ये ट्रिप नहीं होती। यानी कि डीसी एमसीबी का जो काम है सिर्फ आप इस तरीके से लगा सकते हो एज अ स्विच, यानी कि एक स्विच की तरह आप पैनल्स में यूज कर सकते हो कि सोलर का जो करंट है उसको हम ऊपर से बंद कर लें। स्विच की तरह आप डीसी एमसीबी को यूज कर सकते हो। डीसी एमसीबी कोई भी शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये सोलर एमसीबी ट्रिप होती है, वो लोग मेरे को कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उस डीसी एमसीबी को खरीद कर उसकी टेस्टिंग भी कर लूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज और भी, हमारा एक नया चैनल ओपन हुआ है, उसमें काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो उस नए चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक करना और उसको जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।